दोस्तों जितने पुराना पौधा होता है उतने ही उनके जो तनाएं होती हैं मोटी होती जाती है, और ऐसे में जो है पौधे की लुक है बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छे से जो है उभर के आती है। तो आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ अपने अपराजिता की, जो जिनको मैं जो है बोनसाई बनाने की जो है तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए, हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि पौधा की समझो कि मर गया हो, बट ऐसा नहीं है। ये क्या है कि विंटर में जो है थोड़ा सी पौधे जो है ये खराब हो जाते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है, वो वापस से जो है जैसे ही इनका मौसम आता है वो न्यू जो ग्रोथ है आने उनके जो शुरू हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखिए इनकी जो है ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। देखिए यहाँ पे भी देखिए इनकी ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। तो इससे पहले क्या है कि हम पौधे के साथ जो है कोई भी छेड़खानी ना करें, जब तक कि जो इनकी न्यू जो है फुटाव बोलते हैं वो ना आने शुरू हो जाए। अगर दोस्तों हम बात करें इनकी केयर की, तो इनमें ज्यादा केयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जरूरत नहीं पड़ती है। ये पौधा है जो बहुत आसानी से जो है गार्डन में रहता है, और आप एक बार लगा लेते हैं तो सालों साल ये गार्डन में बना रहते हैं, और इनके बीज क्या है बिखर के इधर उधर चले जाते हैं और अपने आप जो है न्यू पौधे जो है बन के रेडी हो जाते हैं। तो अगर आपने अपराजिता से बहुत सारे फ्लावरिंग लेने हैं तो बस आपने दो काम करने हैं, बस दो काम करते रहिए पौधे पे, और आपको जो है किसी प्रकार की जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस पौधे के बारे में। तो पहला काम ये करना है कि आपको क्या है 2 महीने की गैप पे एक मुट्ठी खाद देना है। कोई भी खाद दे दीजिए, चाहे गोबर की खाद दे दीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, हर एक 2 महीने में जो इनको फीड कर दीजिए। और लिक्विड फर्टिलाइजर की बात करें तो आप इनमें जो है बनाना पील का फर्टिलाइजर देते रहिएगा 20 दिन के गैप पे। बहुत अच्छा जो है फर्टिलाइजर है, क्योंकि इनसे जो है बहुत सारे जो है इनमें फ्लावरिंग आते हैं। और जो दूसरा काम करना है पौधे में वो है कि आप मंथली बेसिस पे या 20 से 25 दिन के गैप पे कोई भी जो है अच्छा सा पेस्टिसाइड हो या फिर नीम ऑयल से जो है पौधे में स्प्रे छिड़काव यानी कि करते रहिएगा। तो देखिए पौधे की जो है ग्रोथ शुरू हो गई है, तो अब हमने इनमें जो है फटाफट 2 काम करूंगी। तो पहला काम क्या है कि जितने भी वीड वगैरह उग जाते हैं उनको अच्छी तरीके से जो है रिमूव कर लेना है पौधे से, ताकि जो भी हम फर्टिलाइजर दें तो वो उसकी जो मात्रा वो डिवाइड ना हो पाए। और दूसरा काम करना है कि गमले में जो मिट्टी है इनकी अच्छी तरीके से जो है गुड़ाई कर देनी है, ताकि जो अच्छे से धूप हवा पानी मिट्टी में लग पाए। तो इनमें देखिए ये छोटे से पौधे हैं, और गुड़ाई करने के बाद क्या है हमने इसको 1 दिन के लिए छोड़ देना है, इनको हमने फर्टिलाइजर देना है। बट जिस दिन हम गुड़ाई करेंगे उस दिन हम इनको फर्टिलाइजर नहीं देंगे, अगले दिन क्या है हम इनको फर्टिलाइजर देंगे। तो अभी फिलहाल में क्या है इनको जो है गुड़ाई कर रही हूँ चारों तरफ से। और इनमें क्या है कि मैंने क्या है इसमें जो येलो कलर के मेरे क्रिसेंथिमम थे उनकी कटिंग मैंने लगा दिए थे, बहुत पहले लगाए थे। तो देखिए इनकी ग्रोथ है काफी अच्छे से जो है चल पड़ी है। तो थोड़े से जैसे ही बड़े हो जाएंगे और मौसम थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो मैं इनको यहाँ से निकाल के और किसी और गमले में कंटेनर में मैं लगा दूंगी। फाइनली देखिए गुड़ाई चारों तरफ से जो है अच्छे तरीके से हो गया, अब हम इनको छोड़ देंगे अगले दिन के लिए। तो अगले दिन का इंतजार करके उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो दोस्तों ये है अगले दिन का क्लिप। तो देखिए मैंने जो है फर्टिलाइजर लिए हैं, गोबर की जो है खाद है वो लिए हैं मैंने, और इनमें क्या है थोड़ी सी जो है नीम खली का मात्रा भी मैंने मिला लिए है, और चाय पत्ती तो बिल्कुल फ्री में जो है मिल जाएगी, क्योंकि विंटर में हमने क्या है कि बहुत सारी जो है चाय पत्ती कंज्यूम की है। तो उनके जो अगर आपने सेव करके या फिर रखे होंगे धूप में ड्राई करके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी भी क्या कर सकते हैं आप, धूप में क्या है जो हम चाय पत्ती बनाते हैं बच जाते हैं उनके पत्तियां, तो हम धूप में सुखा दें उसके बाद हम गमले में जो है डाल देंगे तो पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा जो है लाभ होगा। तो देखिए तीनों को मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, और हमने क्या करना है पहले क्या है देखिए थोड़ा सा खाद है ना थोड़ा सा मोटे मोटे से है, तो इनको मैं पहले फोड़ लेती हूँ बिल्कुल बारीक जो है वो कर लेती हूँ, बारीक करना बहुत जरूरी है। और हमने क्या करना है साइड में जो है बिल्कुल पौधा है वहां पे नहीं देना है, साइड में मिट्टी थोड़ी सी जो है गहराई करके और बस खाद लेना है, और इनमें खाद डाल के और ऊपर से जो है मिट्टी को जो है दबा देना है। तो ये देखो गमला मेरा थोड़ा सा बड़ा है,
तो इनमें ऐसे दिया नहीं बनेगा, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे चलिए स्पेस है तो मैं यहाँ पे ऐसे करके और ऊपर से जो है मिट्टी की लेयर मैंने चढ़ा दिया, तो ऐसे करके चारों तरफ मैं दे दूंगी और बाकी जो भी है ऊपर से डाल के और मिट्टी में जो है अच्छी तरीके से जो मिक्स कर देंगे, ताकि खाद जो है मिट्टी में अच्छी तरीके से जो है मिलना ये जरूरी है। तो देखिए ऐसे में क्या है, पौधे के लिए जो भी मुख्य पोषक तत्व चाहिए है वो जो है पौधे को मिल गया, तो भरपूर मात्रा में जो है इनको नाइट्रोजन और चायपत्ती में दोस्तों क्या है कि एनपीके की पूरी क्वांटिटी होती है, बहुत अच्छा जो है फर्टिलाइजर है। और हम एक एडवांटेज हमारे पास ये है कि हम यूज की हुई जो है चायपत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल फ्री में जो है फर्टिलाइजर बन के जो है रेडी हो जाता है। तो आप चायपत्ती के जो लीव बचते हैं चाय बनाने के बाद तो उनको फेंकने की वजह क्या है कि आप सन ड्राई करके रख लीजिए किसी डब्बे में और टाइम टू टाइम क्या है अपने पौधों में जो है साइड से जो हल्की सी थोड़ी सी गुड़ाई करके उनमें जो है डाल दीजिए। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं की एप्सम सॉल्ट से जो है पौधे को स्प्रे कर रही हूँ, मैं फंजीसाइड अभी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ कि देखिए क्योंकि अभी इनकी ग्रोथ जो है अच्छी तरीके से हुई नहीं है, इनकी पत्तियां वगैरह नहीं निकली है, और मैं एप्सम सॉल्ट इसलिए दे रही हूँ ताकि जो है पौधा अच्छे से जब भी इनकी पत्तियां निकले तो अच्छे से जो है क्लोरोफिल बनाए, इनमें जो है पत्तियों में जो है कोई भी क्लोरोसिस जो रोग होते हैं पत्तियों में वो ना हो पाए, ना पनपने पाए और ना ही पत्तियां जो है पीली होने पाए, पत्तियां क्या है हेल्दी ग्रो हो ग्रीन कलर में, तो इसलिए जो है एप्सम सॉल्ट से मैं जो है छिड़काव कर रही हूँ। हम चाहे तो क्या है मिट्टी में भी दे सकते हैं, इससे क्या होगा अगर पत्तियां हेल्दी रहेंगी तभी जो है पौधा है अच्छे तरीके से जो है खाना को बना पाएगा और अपने जितने भी इनके पौधे के पार्ट होते हैं उनमें खाना पहुंचा पाएगा। तो चलिए अब दूसरा फर्टिलाइजर देते हैं, बहुत अच्छा जो है पोटेशियम का सोर्स है बनाना, तो ये सबको पता है, तो क्या करें कि हम क्या कर सकते हैं कि इनको जो है सन ड्राई करके दे सकते हैं या फिर ऐसे भी जो है हम ताजा भी बनाने के जो छिलके होते हैं वैसे दे सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि इनको जो है महीने के गैप पे थोड़ी सी एक बनाना ले लीजिए, जैसे 8 इंच का गमला है आपका तो एक बनाना के जो छिलके हैं काफी रहेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 बनाना के जो मैं छिलके ले रही हूँ बट मैं इस्तेमाल 1.5 ही करूंगी, तो छोटे छोटे टुकड़े काट लिए और सिंपल हमने क्या करना है कि मिट्टी थोड़ी सी जो है नीचे गहराई करके और उनमें डाल के ऊपर से जो है दबा देना है और ये धीरे धीरे जो है ये कुछ ही दिनों में जो है डिकम्पोस्ट होके बहुत अच्छा जो है पोटेशियम सोर्स जो है प्रोवाइड कराएगा हमारे पौधों के जो पौधों के लिए इनके फूलों के ग्रोथ के लिए और बहुत सारे जो है इनमें जो है फ्लावरिंग आएंगे। तो देखिए फ्री में जो है एक और फर्टिलाइजर हमने दे दिया और ये प्रक्रिया ये प्रोसेस हम क्या है मंथली बेसिस पे अपने कोई भी फ्लावरिंग वाले पौधे हो उन पे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम हिबिस्कस में और अपराजिता में ये प्रोसेस करते हैं बनाना के जो छिलके हैं उनका इस्तेमाल करते हैं तो इनमें बहुत अच्छा जो है रिजल्ट शो करते हैं पौधे। तो फाइनली क्या है हमें इनको वाटरिंग दे देना है, तो पानी दे देना है और इसके बाद क्या है कि हम इनको जो है अब पूरे धूप में रखना है, शेमी शेड में नहीं रखना है, और पानी दे के हम इनको छोड़ देंगे। तो अब देखेंगे इनकी ग्रोथ जो है थोड़ी थोड़ी अभी स्टार्टिंग हो रही है तो फटाक से जो है इनको बूस्टर मिल गया और इनकी ग्रोथ फटाक से चुटकियों में जो है होने शुरू हो जाएगी।